सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है राहुल, स्वागत करता हूँ हमारे और आपके चैनल आरपीजी गेमिंग में। सो भाइयों यार, आज का ये वीडियो इतना ज़्यादा ओपी होने वाला है, क्योंकि गाइस आज की इस वाली वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ हमारे पबजी मोबाइल लाइट के 0.17.0 के 40 प्लस फीचर। अब भाई लोग 40 फीचर्स कम नहीं होते जो कि हमारे 0.17.0 अपडेट के अंदर हमें देखने को मिल चुके हैं। सो आज का ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा आप लोग को। एंड एक से एक बढ़कर मतलब जो फीचर्स है, एक से एक फीचर्स है, अगर आप लोग देखोगे तो यार मज़ा ही आ जाएगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना, और साथ ही साथ यार अपने भाई के लिए ज़रूर से लाइक कर देना, और यार इन सारी मस्त से फीचर के लिए भी एक लाइक ज़रूर से कर देना। तो चलो गाइस हम लोग फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जाके लाइक के बटन को प्रेस कर दो, सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दो। तो चलो गाइस फटाफट से वीडियो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सो भाई लोग यार, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट फीचर जो कि हमारा निकल कर आ रहा है वो है गाइज हमारा अपग्रेडेड गेम वर्जन, जो कि हो चुका है हमारा 0.17.0। अब इसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो है गाइज हमारा आर्केड मोड और जो ईवो ग्राउंड मोड है वो दोनों एक मतलब आर्केड मोड के अंदर मर्ज कर दिए गए हैं। जैसे कि देख सकते हो आर्केड के अंदर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। अब इसके बाद थर्ड फीचर्स की बात करें तो थर्ड फीचर जो है हमारा वो है न्यू पेलोड मोड विथ एक्सक्लूसिव फीचर। अब भाई लोग पेलोड मोड के बारे में क्या ही बात करूँ, आपको तो सारी चीज़ें उसके बारे में पता ही होगी। तो यहाँ पे गाइस नेक्स्ट फीचर जो निकल कर आ रहा है वो है एडेड न्यू जंप बटन, हमारे कंट्रोल्स में न्यू जंप बटन ऐड किया गया है। एंड इसके बाद जो न्यू फीचर निकल कर आ रहा है वो है गाइस न्यू पिस्टल R45 आपको देखने को मिला ही होगा। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है हिंदी लैंग्वेज, जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे हिंदी लैंग्वेज जो है वो ऐड कर दिया गया हमारे गेम के अंदर। सेटिंग्स में जाके आप लोग यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पर सेवन्थ फीचर जो है वो वरेंगा का नाम वापस से रेंगल कर दिया गया है। एंड इसके बाद जो हमारा एट्थ फीचर निकल कर आ रहा है वो है पर्क्स का। तो भाई पर्क्स क्या होता है, वो हमें क्लैन के अंदर पर्क्स देखने को मिलता है, तो वो वाली चीज़ हमें यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल चुकी है। सो गाइस इसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पर न्यू एनिमेशन एंड थीम लाइक पबजी मोबाइल फॉर कलेक्टिंग रिवॉर्ड्स। तो भाई लोग जैसे कि देख सकते हो इस तरीके का आपको न्यू एनिमेशन एंड थीम देखने को मिल चुका हमारे पबजी मोबाइल लाइट के अंदर भी, जो कि पहले नहीं था। एंड इसके बाद यहाँ पर टेंथ फीचर है जो कि बहुत बड़ा फीचर है, जो कि है कंपेनियन का फीचर, जो कि आपको ग्लोबल अपडेट में देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद यहाँ पर हमारा 11th फीचर जो है स्पॉन आइलैंड आ गया। भाई लोग जैसे कि देख सकते हो स्पॉन आइलैंड के आपके बारे में पता ही होगा, ब्रोकन प्लेन वगैरह सब चीज़ इसमें आ चुके हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो यहाँ पर आ चुके हैं हमारा न्यू प्लेयर शोकेस सिस्टम। अब ये क्या होता है भाई, मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई तो जैसे कि देख सकते हो ये वाला फोटो आपको देखने को मिल रहा है, जो कि हालांकि यहाँ पर चाइनीज़ में, बट यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें गाइस आपको अपना एक डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। समझ लो आधार कार्ड यहाँ पे आप लोग बना रहे हो, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आप लोग एवरीडे खेलते हो, मैं वीकेंड में खेलते हो, किस तरीके से खेलते हो, या पबजी मोबाइल लाइट का आधार कार्ड समझ लो, ठीक है। उसी तरीके से आपको इसमें प्लेयर शोकेस सिस्टम इसको कहते हैं। अब नेक्स्ट फीचर की बात करें तो सो गाइस जो 13 फीचर निकल कर आ रहा है वो है गाइस न्यू अवतार एंड न्यू अवतार फ्रेम। अब भाई लोग जैसे कि देख सकते हो ये दो मतलब ये जो फैल्कन अवतार फ्रेम है एंड यहाँ पर फैल्कन अवतार है, ये दोनों गाइस आप लोग कंपेनियन के थ्रू कुछ इवेंट आएगा जिसमें से आप लोग ये चीज़ रिडीम कर पाओगे। अब नेक्स्ट चीज़ की बात करें कि नेक्स्ट चीज़ क्या है, तो वो है गाइस एडेड न्यू कनेक्शन टैब इन प्रोफाइल डिस्प्ले सेक्शन। अब भाई ये क्या है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो भाई देखो कनेक्शन ये चीज़ होता है कि आपका जो सिनर्जी होता है, मतलब एक तरीके से सिनर्जी है, वो पब्लिकली सबको शो करेगा एंड जितना भी होगा उसके हिसाब से लेवल वाइज ये चीज़ आपका शो करेगा, ठीक है। अगर आप इसको ऑफ करके रखोगे तो ये प्राइवेट रहेगा, सिर्फ आप और जिसके साथ आपका सिनर्जी रहेगा वही देख पाओगे। एंड नेक्स्ट फीचर जो निकल कर आ रहा है वो एडेड न्यू सिग्नेचर फीचर है। अब भाई लोग ये चीज़ देख सकते हो आप लोग, ये वाला जहाँ पे आप लोग सिग्नेचर का फीचर लिखा हुआ है, टेस्ट सिग्नेचर फीचर, आप लोग यहाँ पर गाइज अपना जो भी नाम वगैरह लिखना चाहो, आप लोग जो भी चीज़ लिखना चाहो वहाँ पे लिख सकते हो, और ये चीज़ आपका पब्लिकली शो करेगा। आप जब भी MVP वगैरह बनोगे तो आपका ये चीज़ नाम यहाँ पे जो भी शो करेगा। अब जो 15th फीचर है वो देख सकते हो न्यू आउटफिट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें गाइज आप लोग गाइज अपना जो आउटफिट है उसको मैनेज कर सकते हो, एक अलग से इसका सेक्शन बना दिया गया है प्रोफाइल के ऑप्शन पे, तो यहाँ से आप लोग जाके मैनेज कर सकते हो। अब नेक्स्ट फीचर की बात करें तो एडेड मेरिट सिस्टम फॉर फेयर गेम प्ले। तो अब भाई मेरिट सिस्टम क्या होता है गाइज मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आप लोग मैच खेलते हो, अगर आप लोग किसी अपने टीममेट को मतलब जैसे गाड़ी ब्लास्ट करके या उस पर अपने से जान के नेड करके मॉली करके अगर आप लोग मार देते हो तो आपका जो मेरिट है वो घट जाएगा। अगर आप लोग ऐसा ज़्यादा करते हो तो मेरिट घटते चला जाएगा एंड जैसे ज़्यादा घट जाएगा और फिर वहाँ पे आप लोग अपने टीममेट्स के साथ प्ले नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट फीचर 17th फीचर जो एडेड न्यू अचीवमेंट पॉइंट काउंट। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग प्रोफाइल पे जैसे ही जाओगे यहाँ पे आपके पास अचीवमेंट पॉइंट काउंट आ जाएगा कि आपके पास कितना अचीवमेंट आप लोगों ने कर रखा है। एंड इसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात करें तो एडेड
टायर ओवरव्यू टैब। तो अब भाई टायर ओवरव्यू क्या है गाइस, यहाँ आप लोग देख सकते हो, जैसे कि आप लोग को प्रोफाइल में वाला चीज़ देखने को मिल जाएगा जो कि एक न्यू अपडेटेड वर्जन के तरह में कह सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो भाई अचीवमेंट टैब जो है हमारा डेटा सेक्शन के अंदर हम लोग को देखने को मिल जाएगा जो कि न्यू फीचर है। एंड इसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात करें तो बहुत ज़्यादा ओपी सा फीचर है जो कि है पार्टनर पोस्ट सिस्टम यानी कि बड़ी फीचर। तो भाई लोग जैसे देख सकते हो ये वाला जो फीचर है साइनर्जी फीचर, इसमें क्या कर सकते हो आप लोग, इस तरीके से अपने जिसको भी फ्रेंड को अगर आप लोग खड़ा करना चाहो तो इस तरीके से आप लोग खड़ा कर सकते हैं लेवल बाय लेवल। इसका गाइस अलग अलग यहाँ जो पोज है ये अनलॉक होते रहते हैं एंड आप लोग जो चाहो वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया सा फीचर है जो कि हम लोग को मिल चुका है फाइनली। सो गाइस इसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात करें तो न्यू सिनर्जी सिस्टम हैज़ बीन एडेड टू प्रोफाइल। तो गाइस जो सिनर्जी का सिस्टम होता है वो आपका प्रोफाइल में ऐड कर दिया गया। इसके बाद जो हमारा 23 फीचर है वो है भाई हमारा न्यू प्लेयर कार्ड यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। एंड इसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात करें तो भाई हमारा न्यू व्हीकल एंड क्रैश्ड प्लेन, जैसे कि आप लोग कह सकते हो ब्रोकन प्लेन भी स्पॉन आइलैंड में ऐड कर दिया गया। जैसे कि देख सकते हो ये वाला स्पॉन आइलैंड में आपका ऐड कर दिया गया जो कि बहुत ज़्यादा ऑसम सी बात है। यहाँ पे आप लोग यूएस वगैरह भी बिल्कुल ईजिली यहाँ पे आप लोग का चला सकते हो तो टाइम पास अच्छा हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो एडेड व्हीकल रिपेयर किट इन गेम। तो भाई ये जो है पेलोड एक्सक्लूसिव है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो पेलोड मोड के अंदर आपको ये वाला व्हीकल रिपेयर किट मिलता है। जैसे कि आपका अगर गाड़ी डैमेज हो जाता है कोई मतलब फायर वगैरह करता है कोई भी कारण से डैमेज हो जाता है तो इस वाली चीज़ को यूज़ करके आप अपने गाड़ी को वापस से रिपेयर कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा सा फीचर है। एंड इसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात करें तो एडेड न्यू एक्सक्लूसिव आउटफिट इन स्पॉन आइलैंड। अब भाई लोग यार जैसे कि देख सकते हो ये वाला आउटफिट आपको एक्सक्लूसिवली मिल रहा है स्पॉन आइलैंड के अंदर। और ये कैसे ले सकते हो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, जो भी कंटेनर्स वगैरह है उसके अगर आप लोग चढ़ोगे तो ऊपर में ये आउटफिट आपको पड़े रहता है। और ये वाला चीज़ के लिए गाइस लॉबी में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला, बहुत ज़्यादा भसड़ मचने वाली इस वाली चीज़ के लिए। तो बहुत ज़्यादा ओपी सा चीज़ ये चीज़ उन्होंने दे दिया गेम में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए। एंड इसके बाद नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो भाई न्यू हेलीकॉप्टर एंड VRDM टैंक हैज़ बीन एडेड इन गेम। तो भाई लोग पेलोड एक्सक्लूसिव जैसे कि पता होगा हेलीकॉप्टर ऐड कर दिया गया एंड यहाँ पे VRDM भी हमें ऐड कर दिया गया हमारे जो पेलोड मोड है उसके अंदर। आप लोग VRDM हेलीकॉप्टर दोनों बहुत सारे यहाँ आप लोग बिल्कुल इजीली यहाँ पे यूज़ करके एंजॉय कर सकते हो। एंड इसके बाद नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो भाई लोग यहाँ पर एडेड न्यू लोकेशन बिहाइंड ओल्ड बेसिन मैप, ओल्ड बेसिन इन वेरेंगा मैप। तो भाई लोग यहाँ पे ये वाला जगह देख सकते हो, यहाँ पर गाइस प्रोमोट्री के बगल में एंड ओल्ड बेसिन के पीछे में आपको ये वाला जो लोकेशन है सीक्रेट प्लेस देखने को मिलेगा जिसमें थोड़ा मूव वगैरह है। एंड इसके बाद यहाँ पर एडेड न्यू ग्रेनेड लॉन्चर एंड रॉकेट मिसाइल एंड मशीन गन। तो गाइस ये भी है पेलोड एक्सक्लूसिव, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मशीन गन ये वाला देख सकते हो, मिनी गन जिसका नाम है। एंड इसके बाद ये MGL देख लो गाइस, ये है रॉकेट लॉन्चर जिसमें 6 बुलेट्स लगती है, मतलब एक बार में आता है। और यहाँ पे ये भी रॉकेट लॉन्चर है गाइस, देख सकते हो इसका नाम तो मुझे नहीं पता अच्छे से, बट बहुत अच्छा गाइस ये तीनों जो न्यू आउटफिट मतलब जो न्यू गन्स है बहुत ज़्यादा मस्त है। एंड न्यू एयर स्ट्राइक बीकन, तो ये तो गाइस बहुत ज़्यादा ओपी चीज़ है। अब इसके बारे में आपको बताऊँ तो भाई देखो एयर स्ट्राइक में जैसे कि आप लोग कोई भी लोकेशन पर एयर स्ट्राइक करवाते हो तो वहाँ पर गाइस एकदम छोटे से लोकेशन में मतलब समझ लो 10-15 मिनट मीटर के लोकेशन पे वहाँ पे गाइस रेड जोन बन जाएगा एंड धड़ाधड़ यहाँ पे बोम्बा बूम होने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात करें तो स्पॉनिंग ऑफ VRDM टैंक व्हेन यू फायर फ्लेयर गन। तो भाई लोग देख सकते हो यहाँ पे फ्लेयर गन जैसे मैंने आउट ऑफ जोन चलाया तो यहाँ पर मेरे को VRDM मिल गया। तो गाइस अब गाइस VRDM हम लोग को मिलने वाला है जब भी हम लोग आउट ऑफ जोन फ्लेयर गन चलाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी सी बात होगी कि हम लोग को फ्लेयर गन के ड्रॉप के अलावा कुछ और भी मिल रहा है। एंड इसके बाद यहाँ पे न्यू स्ट्रक्चर इन गेम टू स्पॉन बैक योर डाई टीममेट। तो भाई ये वाला जो टावर दिख रहा है जिसका नाम है रिकॉल टावर, ये आप लोग यूज़ कर सकते हो आप लोग टीममेट को बुलाने के लिए वापस। जैसे कि अगर आप लोग टीममेट मर जाता है तो उसका गाइस एक कार्ड होता है जिसको आप लोग पिकअप करके यहाँ पे आके यूज़ कर सकते हो जिससे आपका टीममेट वापस आपके गेम में आ जाएगा। बट ये जो फीचर ये पेलोड एक्सक्लूसिव है, ये आपको वेरेंगा मैप में नहीं देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद यहाँ पे न्यू सुपर क्रेट इज एडेड इन पेलोड मोड फॉर हैवी वेपन्स। तो भाई लोग जैसे कि पता ये वाला जो न्यू क्रेट आया जिसका नाम है वेपन क्रेट या सुपर क्रेट भी कह सकते हैं, तो इसके अंदर आपको बहुत मस्त मस्त यहाँ पे वेपन देखने को मिलेगा जो कि सिर्फ पेलोड एक्सक्लूसिव यहाँ पर है। तो इसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात करें कि नेक्स्ट हम लोग को क्या देखने को मिला है, तो वो है गाइस हमारा जो लैग फिक्स है वो कर दिया गया। बहुत सारे ग्लिचेस एंड बग्स गेम में थे वो सारे फिक्स किए गए हैं। एंड इसके बाद हीटिंग इशू फिक्स किया गया जो कि बहुत मेजर प्रॉब्लम था हमारे PUBG मोबाइल लाइट के अंदर 0.16.0 अपडेट के बाद, बट राइट नाउ यहाँ पे ये चीज़ फिक्स कर दिया गया है। एंड इसके बाद होली बॉल्स जो है वो रिमूव कर दिया गया है बिकॉज होली का जो सीज़न है वो खत्म हो चुका है तो यहाँ पर उसको रिमूव करना ही था। एंड उसके बाद लो डैमेज यहाँ पे फिक्स कर दिया गया एंड गेम ग्राफिक्स ऑप्टिमाइज़ कर दिया गया एंड बहुत सारी चीज़ें फिक्स करी गई हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर गाइस आप लोग का जो रेड जोन है उसका में जो ग्लिच होता था वो भी फिक्स कर दिया गया एंड बहुत ज़्यादा मस्त कर दिया गेम को गाइस। तो यहाँ पे यही थी गाइस 40+ फीचर मैंने आपको बता दिया जो कि हमारे गेम में 0.17.0 बीटा के अंदर हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। एंड ये वाला जो चीज़ है गाइस हम लोग को गाइस ऑफिशियली में देखने
को मिलने वाला है बहुत जल्द। तो यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, बिकॉज यार 40+ फीचर बताया मैंने यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसके लिए, तो एक लाइक जरूर से कर देना। आपका मोटिवेशन गाइस मुझे मतलब लाइक करते हो तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए गाइस वीडियो को जरूर से लाइक करना। तो मिलते हैं ऐसी किसी ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए वेट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय गाइज, स्टे ट्यून्ड।